तो आज की इस वीडियो में बहुत सारी स्टोरीज के बारे में बात करने वाले हैं, जैसे क्यों कुछ लोग मुंबई कर निखिल का पीछा कर रहे थे, देन बात करेंगे एक टिकटॉकर के बारे में जिनका अकाउंट हैक हो गया था विद ओवर 45 मिलियन फॉलोअर्स, देन एक पॉपुलर यूट्यूबर जिनके अगेंस्ट 2 FIR हो चुकी है, देन क्या भुवन बाम अपना न्यू कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, देन क्या रे मिनाटी एंड सौरव जोशी व्लॉग्स क्या एक्साइटिंग न्यूज शेयर की है, एंड और भी ऐसी बहुत सारी स्टोरीज के बारे में बात करने वाले हैं। तो यार वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक जरूर देखना। बस वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब जरूर करना ताकि आप पूरे यूट्यूब कम्युनिटी से अपडेटेड रहो। एनीवे चलता हमारी पहली स्टोरी पे, मैं बात करने वाला हूँ आशीष चंचलानी के बारे में। तो जैसा कि आपको बताया 2 दिन पहले आशीष चंचलानी एक ट्वीट किए थे बिग बॉस आई एम कमिंग बेबी, वेल ऐसा तो नहीं हुआ है लेकिन बिग बॉस पे उन्होंने अपनी न्यू वीडियो अपलोड कर दी है एंड ये वीडियो करंटली नंबर 1 पे ट्रेंड कर रही है। ऑल्सो आशीष चंचलानी इस वीडियो के रिगार्डिंग में कुछ रिकॉर्ड्स भी शेयर किए, जैसे ओनली 4 आवर्स में इस वीडियो पे आ चुके थे 1 मिलियन लाइक्स एंड ऑलमोस्ट 10 आवर्स में ही इस वीडियो पे आ चुके थे 10 मिलियन व्यूज। इसी पे रिएक्ट करते वो कहे थैंक यू फॉर द अमेजिंग रेस्पॉन्स ऑल यू ACVS गेव टू सस्ता बिग बॉस, इट्स अ वेरी बिग मोमेंट फॉर अस, वी आर ट्रेंडिंग #1 बॉट ऑन यूट्यूब एज वेल एज ट्विटर, वॉज एंड विल नेवर बी पॉसिबल विदाउट यू ऑल। सो यार वेरी मेरी कंग्रेचुलेशन टू आशीष चंचलानी। तो अब चलते हैं नेक्स्ट स्टोरी पे जो कि है क्रेजी प्रैंक टीवी के बारे में। तो ये एक बहुत ही पॉपुलर चैनल है इन पाकिस्तान विद ओवर 1.8 मिलियन सब्सक्राइबर्स। बेसिकली कुछ टाइम पहले ही अपने चैनल पे एक वीडियो अपलोड किए थे लाउड एयर हॉर्न प्रैंक ऑन स्लीपिंग स्ट्रीट डॉग्स एंड बाय द टाइटल आप लोग समझ ही गए होंगे इस वीडियो में क्या था, जिसके कारण इनको काफी सारा हेट मिलना शुरू हो गया था। एज यू कैन सी इस वीडियो पे लाइक एंड डिसलाइक का रेशियो, इसी को देखते हुए वहां के पॉपुलर यूट्यूबर डकी भाई भी उनको DM किए जिसमें वो उनको वीडियो टेक डाउन करने को कहे, ऑल्सो सभी लोगों से माफी मांगने को कहे। वेल ऐसा ही हुआ, इसके बाद वो इस वीडियो को प्राइवेट कर दिए और एक सॉरी वीडियो भी अपलोड किए। तो अगर आपको वीडियो देखना है दैट लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो अब चल रहे नेक्स्ट स्टोरी पे जो कि है मुंबई कर निखिल के बारे में। तो रिसेंटली में मुंबई कर निखिल अपने चैनल पे एक व्लॉग अपलोड किए जहां वो बताया कि कुछ लोग अननेसेसरी उनका पीछा कर रहे थे, मतलब कुछ लोग उनको जानबूझकर फॉलो कर रहे थे, बार बार ओवरटेक कर रहे थे लेकिन उनसे आगे नहीं जा रहे थे। तो इसी चीज पे रिएक्ट करते हुए वो कुछ ये कहे, क्या हुआ वापी, जब भी मैंने गुजरात बॉर्डर क्रॉस किया मतलब गुजरात में एंटर किया उसके बाद एक क्रेटा वाला कब से आजू बाजू ही घूम रहा है एंड ऐसा है कि वो मेरा तेज चला था, तेज आता है फिर पीछे हाई बीम लो बीम मारता है, ओवरटेक करता है और फिर मैं स्लो जाता हूँ तो वो भी स्लो हो जाता है और बाद में वो कट मार के आगे जाता है, वेरी रैश ड्राइविंग। और चलो बंदा 10 किलोमीटर करता है, 20 किलोमीटर करता है, 40-50 करता है, 170 किलोमीटर उसने यही चीज़ किया। सोचो मेरा दिमाग का खाना रहेगा, लेकिन बिकॉज दे वॉज स्लीपिंग आई वॉज ड्राइविंग नाइसली, मैं कुछ ज़्यादा रेकलेस ड्राइविंग नहीं की। अभी जब उठे उसका पीछा छुड़ाने के लिए थोड़ा तेज़ चलाया मैंने, बट ही वॉज ड्राइविंग सो फास्ट कि मतलब मैं खुद डर रहा था उतना तेज़ चलाने के लिए। टोल नाका में रुक जाता है, जब मैं आता हूँ तब चलता है, मुझे अगर सब्सक्राइबर रहेगा बट इज नॉट सब्सक्राइबर, क्या बोलूँ किस तरह की ड्राइविंग कर रहा था। हमने क्या कि अभी जब सब उठे तो मैंने मौके का फ़ायदा उठाया, टोल नाका उसके फटा से गाड़ी इधर घुसा दी और वो आगे निकल गया। अभी या तो उसको लग रहा है मैं आगे हूँ तो तेज़ चलाएगा, उसको लग रहा है पीछे रुक गया हूँ वो रुक जाएगा वेट करेगा। प्रॉब्लम ये कि ऐसा करते टाइम ना डर लगता है कि भाई कोई चोर नहीं कुछ नहीं, क्या मालूम बंदू वंदू लेके किसी का टाइम पास करना रहेगा, उसका सपना रहेगा ऑडी लेने का, गड्ढा ले लिया और बोलता हर ऑडी वाले को तंग करूँगा क्या पता। पर वो जो बंदूक वाला वो मेरे दिमाग में भी आया, हम दोनों ये हाईवे पे बहुत काम, ये हाईवे पे नहीं होता है वो अंदर अंदर होता है। तो अब चलते नेक्स्ट स्टोरी पे जो कि है बदमाश आइकन के बारे में। रिसेंटली में इन्होंने अपने चैनल पे एक वीडियो अपलोड की थी फार्मर्स को सपोर्ट करते हुए, जिसके बाद इनके अगेंस्ट 2 FIR हो गई थी। ऑल्सो एक्ट्रेस पायल रोहतगी के साथ में भी इनकी कुछ कॉन्ट्रोवर्सी चल रही है, जिसके रिगार्डिंग वो अपने इंस्टाग्राम पे कुछ स्टोरीज भी पोस्ट किए, तो आप खुद ही देख सकते हो वो क्या क्या कहे। जब से मैंने किसान आंदोलन पर वीडियो बनाई है मेरे ऊपर 2 FIR हो चुकी है, और हाँ ये कंगना रनौत की चमची, क्या नाम है उसका, पायल और हाथगी, तो जो पीछे से अपने मैनेजर से कह रही है ना कि मेरे को मैसेजेस डलवा रही है कि केस कर दूंगी FIR कर दूंगी, अरे यार जो करवाना है करवा ले। हमारे पंजाबियों में तो एक बात है, जब तक लड़के के ऊपर 2-4 केस ना ना हो तब तक कोई बाप अपनी बेटी का हाथ नहीं देता लड़के के हाथ, हमारे उसे सम्मान कहते हैं केस होना, कर दे जो करना है। सामने फेस टू फेस बात कर, कहती है तो डिबेट भी कर लेते हैं लाइव इंस्टा पर, डरती है क्या ना, तो तेरे से बॉलीवुड में कुछ हो पाया, बिग बॉस वालों ने भी तुझे लात मार के बाहर कर दिया, अरे यार तू है क्या डांसर है क्या है क्या, तू कुछ तो होगी, फ्री की पब्लिसिटी चाहिए बस। इसी पे बाद में पायल रोहतगी भी रिएक्ट की, वो अपने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी शेयर करते हुए कही, इफ मिस रोहतगी इज नथिंग व्हाई दिस जोकर यूजिंग हर नेम, रिमूव दैट वीडियो डफर एज यू आर स्प्रेडिंग फेक न्यूज, देन मुंबई पुलिस को भी टैग की वो। एंड बाद में इसी के रिप्लाई में बदमाश आइकन कुछ ये कहे, पायल रोहतगी मैडम जी मुझे कह रहे हैं कि ये फेक न्यूज फैलाता है,
मैडम जी एक बार लाइव आ जाओ, डिबेट कर लो, दूध और पानी का पानी कर दूंगा मैं, आओ तो सही। अरे यार मैडम जी कहाँ लाइव आएंगे मेरे साथ, ये तो कुछ ज्यादा ही बड़ी स्टार है ना, छोटे लोगों के साथ कहाँ बात करती हैं, कुछ ज्यादा ही बड़ी स्टार है। करो भाई जो करना है करो, हम साडा कुत्ता कुत्ता, ताडा कुत्ता टॉमी। वाह भाई वाह, ये मैडम लाइव डिबेट नहीं करेगी मेरे साथ, ये सिर्फ मेरे साथ स्टोरी स्टोरी खेलेगी और कुछ नहीं, इसे यही आता है। इधर आ मैडम, तेरे को मैं बताता हूँ तेरा लेवल क्या है। तेरा लेवल 30 मिनट के वीडियो में सिर्फ 35 सेकंड का है। तूने क्या सोचा कि अब मैं तेरे ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा एक? तो अब जल्द नेक्स्ट स्टोरी पे, जो कि है क्यारी मिनाटी के बारे में। तो क्यारी मिनाटी बहुत जल्द करीना कपूर के शो व्हाट वुमन वांट में नजर आने वाले हैं। जी हाँ गाइस, इसी के बारे में बताते हुए करीना कपूर अपने इंस्टाग्राम पे स्टोरी भी शेयर की। तो आप में से कौन कौन एक्साइटेड है ये शो देखने के लिए, मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो अब जल्द नेक्स्ट स्टोरी पे, जो कि है सौरव जोशी व्लॉग्स के बारे में। तो बहुत टाइम से सौरव जोशी का गोल्डन प्ले बटन पेंडिंग था ड्यू टू अ कॉपीराइट स्ट्राइक, लेकिन इससे रिलेटेड वो अपने व्लॉग में कुछ बताया, तो आप खुद ही देख सकते हो वो क्या क्या कहे। सबसे पहले तो ये है कि मैंने ना कल रात को YouTube से बात की, YouTube एम्प्लॉय से रात को 2 बजे तक अराउंड 1 घंटा बात किया मैंने अपने गोल्डन प्ले बटन के बारे में इस चैनल के, जो कि मुझे अभी तक नहीं मिला। चैनल पे स्ट्राइक थी ना, तो उन्होंने कहा कि स्ट्राइक है और बहुत कुछ रीजन दे रहे थे वो, बट स्टिल मैंने क्वेश्चन किए उन्होंने कि तो मैं क्या करूँ, मेरा गोल्डन प्ले बटन मुझे मिलेगा नहीं मिलेगा। तो उनको रिक्वेस्ट किया, अच्छे से बात किया, तो उन्होंने कहा कि हम चेक करेंगे और फिर ऊपर बात करेंगे और आपको मेल कर देंगे। तो अभी अभी जस्ट मेल आया है रिडम कोड का, तो फाइनली हमारा गोल्डन प्ले बटन आने वाला है गाइस। तो अब चल रहे स्टोरी पे, जो कि है भुवन बाम के बारे में। जैसा कि आपको बताया वो अपनी शॉर्ट मूवी ढिंडोरा के लिए शूटिंग कर रहा है, इसी से रिलेटेड वो अपने इंस्टाग्राम पे कुछ स्टोरीज भी शेयर की है। फर्स्ट स्टोरी में हमको टीटू मामा नजर आ रहा है, एंड पीछे आप देख सकते हो कैमराज एंड लाइट्स लगी हुई है, जिसका मतलब है वो शूटिंग सेट पे है। एंड सेकंड स्टोरी कैप्टन के तौर पे शेयर की है, तो मे बी ये शॉर्ट मूवी में उनका ये नया कैरेक्टर हो सकता है। इस पे आपके क्या थॉट्स है मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो अब चल रहे स्टोरी पे, जो कि है मॉर्टल एंड टेक्नो गेमर्स के बारे में। तो दोनों ही अपने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट शेयर करते हुए बताया कि आज 17 दिसंबर 2020 को रात 8 बजे एक साथ कॉल ऑफ ड्यूटी की स्ट्रीम करने वाले हैं। सो यहाँ में से कौन कौन एक्साइटेड है स्ट्रीम के लिए, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो अब चल रहे स्टोरी पे, जो कि एल्विश यादव के बारे में। तो अगर तो आपको बताओ, यूट्यूब वर्सेज टिकटॉक कॉन्ट्रोवर्सी एल्विश यादव से ही स्टार्ट हुई थी, बिकॉज उस वक्त एल्विश यादव ने टिकटॉक का रोस्ट किया था, जिसके कारण कुछ टिकटॉकर्स ऑफेंड हो गए थे। एंड बाद में तो आपको पता ही है क्या हुआ था, बट अब टिकटॉक की जगह ले ली है रील्स ने। एंड वंस अगेन एल्विश यादव रील्स पे रोस्ट लाने वाले हैं, इसी रिगार्डिंग वो अपने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी भी शेयर किया था, आप खुद ही देख सकते हो वो क्या क्या कहे। एक छोटी सी अपडेट दे देता हूँ कि हमारा रोस्ट कब आएगा। अपना रोस्ट आ रहा है भाई परसों, और जो ट्यूशन टीचर की बेटी का पार्ट टू है वो भी उसके हेर फेर में आ जाएगा, मतलब कुछ दिनों बाद आएगा जरूर, टेंशन मतलब आ रहा है। तो अब चल रहे नेक्स्ट स्टोरी पे। नाउ ये एक इंटरनेशनल इंटरेस्टिंग स्टोरी है, जो कि है डिक्सी डेमिलियो के बारे में। बेसिकली एक बहुत ही पॉपुलर टिकटॉकर है विद ओवर 45 मिलियन फॉलोअर्स, एंड कुछ टाइम पहले इनका टिकटॉक अकाउंट हैक हो गया था। ये कोई प्रोफेशनल हैक नहीं था, जिसमें बहुत सारी कोडिंग लगी हो, बेसिकली किसी ने इनका पासवर्ड गैस कर लिया था। एंड फर्स्ट थिंग, उस बंदे ने इस टिकटॉक अकाउंट पे कुछ ये पोस्ट किया था। I'm not gonna lie, the password to Dixie's account was literally just Dixie, I just guessed it. Hashtag guessable. इसके बाद डिक्सी डेमेलियो उस बंदे को कॉन्टेक्ट की, और बाद में उस बंदे ने ये टिकटॉक अकाउंट वापस कर दिया। एंड अकाउंट मिलने के बाद में वो एक कॉमेंट की, आई गेस डिक्सी 123 वॉज अ बैड पासवर्ड। सो यार दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर आप इस चैनल पे नहीं हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में जरूर शेयर करना। हम मिलेंगे एक और वीडियो के साथ में, तब तक के लिए अलविदा, थैंक यू।